हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग TGT, PGT, नेट, RPC फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, GRF, नेट GRF की, ठीक है, क्लास करते हैं। होम साइंस की क्लास पढ़ाई जाती है, ठीक है। साथ ही फ्रेंड्स, मेरे ऑफलाइन बैच भी चलते हैं TGT, PGT, नेट GRF, RPC फर्स्ट ग्रेड के। जिनको भी मेरे ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये कॉल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग की नेट GRF की यूनिट 6 चल रही थी, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या फर्नीचर का चुनाव, ठीक है। फर्नीचर व साज सज्जा ये यूनिट है जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फर्नीचर का चुनाव, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक है फर्नीचर का चुनाव। देखिए क्या होता है, जब हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं तो बस गए और ले लिया नहीं, कोई फर्नीचर खरीदने से पहले उसका चुनाव कैसे करें इस बात का हमें क्या रखना चाहिए ध्यान। तो इन फर्नीचर का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी फर्नीचर खरीदते समय हमें उसकी शैली का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, उसकी शैली कैसी है, ठीक है, कार्य क्या है, उपयोगिता क्या है फर्नीचर की, दृढ़ता मजबूती क्या है, टिकाऊपन क्या है, पारिवारिक आधार क्या है, आवश्यकता क्या है, योजना क्या है, डिज़ाइन क्या है, आरामदायक है कि नहीं, कीमत कैसी है, आर्थिक आधार, आकार कैसा है, बनावट, ठीक है, देखरेख की कीमत, शारीरिक आवश्यकता और गुणवत्ता। इन आधार पे हमें कोई भी फर्नीचर खरीदने से पहले इन आधारों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप कभी भी मार्केट जाओ या बाज़ार जाओ तो मार्केट बाज़ार में फर्नीचर की कोई एक क्वालिटी नहीं होती, बहुत सारी श्रेणी के फर्नीचर मिलते हैं, ठीक है। ये ख़राब से लेकर अच्छी श्रेणी के भी होते हैं, अति अच्छे से अच्छी श्रेणी के, ठीक है। तो बस क्या इसकी जो गुणवत्ता होती है, इसकी क्वालिटी होती है, इस बात पर निर्भर करती है कि उस पर कौन सा पदार्थ का उपयोग किया गया है, ठीक है। कोई भी फर्नीचर देख के आप उसको नहीं बता सकते हो कि ये इसके अंदर क्या कौन से पदार्थ का प्रयोग किया गया है या क्या है इसकी, ठीक है, उसकी मजबूती देखिए, उसका टिकाऊपन देखिए, ये सब अच्छी तरह से देखना चाहिए, ठीक है। और क्या इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हर व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार, उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार, ठीक है, क्या होती है, हर व्यक्ति की जो आवश्यकता के अनुसार, उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार, उसकी क्या होती है, जो प्राथमिकता है वो भी बदलती रहती है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को कभी कोई परिवर्तन है, समाज क्या है में परिवर्तन होता है, तो क्या हर चीज़ में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति की जो चीज़ की आज आवश्यकता है वो कल, आज वो चीज़ की आवश्यकता है, कल दूसरी चीज़ की आवश्यकता हो सकती है। तो व्यक्ति की आवश्यकता प्राथमिकताओं के अनुसार भी, ठीक है, उसकी क्या होती है, प्राथमिकता बदलती रहती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज विस्तार से जान लेते हैं कि फर्नीचर का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला आता है शैली। सबसे पहला आधार है शैली। तो इसमें क्या होता है कि शैली, फर्नीचर की विभिन्न शैलियाँ होती हैं, ठीक है, तो फर्नीचर की विभिन्न शैलियाँ होती हैं जिसमें आपका होता है पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन, ये तीन शैलियाँ हैं, ठीक है। व्यक्ति को फर्नीचर का चुनाव करते समय या क्या करना चाहिए, जब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, फर्नीचर का चुनाव करना चाहिए, उस समय क्या करना चाहिए, मकान के अनुरूप उत्तम शैली का, उचित शैली का चयन करना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, फर्नीचर की विभिन्न शैलियाँ होती हैं जिसमें पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन है। व्यक्ति को फर्नीचर का चुनाव करते समय मकान के अनुरूप उचित शैली का चयन करना चाहिए, ठीक है। फिर फर्नीचर का चुनाव करते समय हमें कार के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि फर्नीचर की सही माप लेनी चाहिए, ठीक है, फर्नीचर सही माप का होना चाहिए, ठीक है, औसत पुरुष या महिला की माप और अनुपात के आधार पर होना चाहिए। फर्नीचर के सभी भाग आपस में इस प्रकार फिट होने चाहिए ताकि अपना कार्य अच्छी तरह से कर सके। उपयोगिता, तो उपयोगिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि हम किस उपयोगिता के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं, ठीक है। तो छोटे मकानों के लिए आधुनिक फर्नीचर उपयुक्त होते हैं, जैसे कपबोर्ड, ठीक है, सेल्फ आदि, ठीक है। और स्थान कम होने पर बहुउपयोगी फर्नीचर भी खरीदे जा सकते हैं, जैसे सोफ़ा कम बेड, ठीक है, और बॉक्स वाला दीवान, ये सब
उपयोगिता में देखो, बेड में बॉक्स वाले वाले दीवार में हम लोग ऊपर लेट भी सकते हैं, नीचे सामान भी रख सकते हैं, तो ये सब चीज़ों का। दृढ़ता मतलब मजबूती, टिकाऊपन, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। फर्नीचर खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये पर्याप्त रूप से मजबूत हो, दृढ़ हो, ठीक है, टिकाऊ हो। और फर्नीचर खरीदते समय हमें उस पर हाथ दबा के भी, बैठ के भी देखना चाहिए, उसकी दृढ़ता और टिकाऊपन की जाँच कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे तो बेचना है, वो तो कहेगा ही मजबूत है, ठीक है, पर अपनी जांच खुद से भी करनी चाहिए। पारिवारिक आधार, तो क्या होता है, परिवार की पर्वती आवश्यकताओं के अनुसार भी क्या करना चाहिए, परिवार की, ठीक है, पर्वती आवश्यकताओं के अनुसार भी हमें क्या करना चाहिए, फर्नीचर का चुनाव करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब शादी होती है, ठीक है, उसके थोड़े दिन बाद कुछ वर्षों में क्या होता है, जब तक बेबी वगैरह नहीं होते, तो जो व्यय होता है वो थोड़ा कम होता है। उसका जब बेबी वगैरह हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, उतनी कोई भी हम लोग बचत नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और खर्चा ज़्यादा होने लगता है, फिर पढ़ाई लिखाई तो ये सब बहुत बढ़ जाता है। तो उसी समय जब शादी के प्रारंभिक वर्षों में ही अगर आप कोई गृह सज्जा में अपना खर्चा कर लेते हो तो वो अनुकूल समय रहता है, ठीक है। आवश्यकता, ठीक है, फर्नीचर का चुनाव करते समय भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में भी ध्यान में रख के खरीदना चाहिए, ठीक है, भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में ध्यान रखते हुए सोचना चाहिए। बस ये नहीं सोचना कि आज ही आज का सोच रहे, कल का नहीं, ऐसा नहीं। योजना, देखिए फर्नीचर बनाते, फर्नीचर खरीद का चुनाव करते समय हमें योजना बना लेनी चाहिए, ठीक है, कि हमारे जो कमरा है उसमें क्या क्या क्रिया करनी है हमको, ठीक है, एक कमरा है उसमें कितने फर्नीचर रखे जा सकते हैं, ठीक है। पता है छोटा सा कमरा है, बनवा लो ज़्यादा फर्नीचर तो हौच पौच हो जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपके कमरे में आ सके, ठीक है, छोटा सा कमरा ज़्यादा फर्नीचर बदल के वो नहीं है, ठीक है। और जो कमरे में जो भी कमरे समझ जितनी भी क्रियाएं हो रही हो उनका विचार करते हुए हमें क्या करना चाहिए, प्लान बनाते हुए फर्नीचर को खरीदना चाहिए। हमें एक सूची बना लेनी चाहिए कि हाँ कि हमें इस कमरे के लिए ये फर्नीचर की ज़रूरत है। डिज़ाइन, ठीक है, तो क्या फर्नीचर में अच्छा डिज़ाइन का होना बहुत जरूरी है। देखिए डिज़ाइन तो सब लोग चाहते हैं कि मेरे जो फर्नीचर के डिज़ाइन है कुछ अलग हो, लोग आए तारीफ़ करें, हर कोई चाहता है। तो क्या करना चाहिए, फर्नीचर का चयन करते समय हमें एक समान नियम को हमेशा अपनाना चाहिए, ठीक है। तो यह समान नियम ये है कि जो सादे फर्नीचर होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है, तो ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फर्नीचर का डिजाइन का निर्धारण करते समय कमरे की जो परिसज्जा सजावट है उसके अनुरूप होना चाहिए। तो फर्नीचर का जो भी डिजाइन आप बना रहे हो, जो भी ले रहे हो, ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है कि वो कमरे की जो परिसज्जा सजावट की गई है उसके अनुरूप हो, ठीक है। आरामदायक, बिल्कुल सही, जो आप फर्नीचर लेते हो वो आरामदायक हो, ठीक है। तो चुनाव करते समय फर्नीचर का इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्नीचर है वो आरामदायक हो, ठीक है, इस बात की अच्छी से परख कर लेनी चाहिए, ठीक है, आराम से बैठ सको, उठ सको, काम सब कर सको, जिस काम के पर्पस से लिया उस काम में कोई भी आपको परेशानी ना हो। कीमत, ठीक है, तो देखिए हमें फर्नीचर का चयन करते समय कीमत का ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि हमारे देश में सभी लोग एक जैसा कमाते, नहीं, कुछ कम भी कमाते, कुछ ज़्यादा भी कमाते, कुछ बहुत ज़्यादा भी कमाते। तो सारा पैसा मैं सिर्फ फर्नीचर के बारे में नहीं, फर्नीचर में ही लगाना है। हमें अपने भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए, कुछ सोचते हुए, ठीक है, भविष्य को सोचते हुए भी हमें फर्नीचर पे इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि बस फर्नीचर ही फर्नीचर, तो अपनी आवश्यकता, अपनी आय, अपने बजट के अनुसार, अपने आय व्यय की तुलना परिवार की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, फर्नीचर लेने चाहिए, ठीक है। आप कम आय वर्ग के व्यक्ति हो पर महंगा सा फर्नीचर ले लिया तो उस पर वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, ठीक है, इतना लो कि आपके आय व्यय का संतुलन भी ना बिगड़े, ठीक है, और आपका फर्नीचर भी आ जाए और सारी जो भविष्य की सेविंग वगैरह वो भी होती रहे, ठीक है। आर्थिक आधार, ठीक है, तो फर्नीचर का चुनाव करते समय हमें अपने आर्थिक आधार का भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या होता है कि परिसज्जा फर्नीचर पर व्यय करने की वास्तविक कीमत का निर्धारण कुल साधनों के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है, ठीक है। आकार क्या है, फर्नीचर का आकार कमरे और उसमें रखे जाने वाले सामान के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो छोटा सा कमरा है सोफ़ा इतना बड़ा लेके आ गए कि सोफ़ा ही सोफ़ा दिख रहा है, ठीक है।
दूसरा ये है कि आप ले आए सोफ़ा, मेज़ रख दी, कमरे का दरवाज़ा ही नहीं बंद हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि सब काम भी हो जाए, कम जो सामान फर्नीचर लिए वो भी अच्छा लगे, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखें, अगर आपका घर छोटा है तो फर्नीचर के आकार में छोटे फोल्डिंग या दीवार में बनाए जाने वाले बहुउद्देशीय फर्नीचर ले लीजिए, ठीक है। बनावट, तो फर्नीचर का चुनाव करने से पहले उसकी बनावट की जानकारी ले ले, ठीक है, कि इसके फर्नीचर के जोर, ठीक है, कीले, कब्जे, पल्ले, जो हैंडल है, सब अच्छी तरह से लगे हैं, मजबूत हैं, ऐसा तो नहीं उसके पेज खुलने, ऐसा नहीं, तो अच्छी तरह से देखभाल ले, उसकी बनावट को अच्छी तरह जांच ले, देख रेख की कीमत, ठीक है। तो सफाई, सुधार और सामान देख रेख की कीमत भी कुल कीमत से जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है। तो सामान क्या होना चाहिए, सफाई सुधार, ठीक है, और सामान देख रेख की कीमत भी कुल कीमत से जोड़ी जानी चाहिए। फिर शारीरिक आवश्यकता, देखिए प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न आवश्यकता है कि जरूरत फर्नीचर के चुनाव को प्रभावित करती है, जैसे वजन, ऊंचाई, स्थिति और स्वास्थ्य, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको, कुछ बूढ़े लोग हैं, उनको दिक्कत है उठने बैठने में, नहीं उठ पा रहे, तो वो पलंग नहीं आते हैं जिसमें पेज घुमाओ और आलसी वाला जो हिस्सा होता है ऊपर उठ जाता है, तो उनके लिए वैसा ले सकते हो, ठीक है। और कोई अगर लंबा व्यक्ति है तो लंबा आपको बेड बनवाना पड़ेगा, अगर वजनदार है तो मजबूत बनवाना पड़ेगा फर्नीचर, तो वैसे, ठीक है। फिर गुणवत्ता, तो अच्छी गुणवत्ता का कोई भी सामान लेंगे वो बहुत दिन चलेगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अच्छी क्वालिटी, मतलब अच्छी श्रेणी का फर्नीचर खरीदना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि कई बार फर्नीचर गीली लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिसकी सूखने पर फर्नीचर में क्या पाई जाती है, दरारें, ठीक है, और उनका आकार बिगड़ जाता है, तो ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो फर्नीचर की गुणवत्ता है, क्वालिटी, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे आपके फर्नीचर चुनाव के आधार। तो हमें फर्नीचर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो हम लोगों ने पढ़ा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों तक शेयर करें। आपको मेरी लाइव क्लास चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो आप मेरी लाइव क्लास की आपको नोटिस मिल जाएगी। साथ ही मेरे ऑफलाइन बैच चलते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर, अपना फ़ोन नंबर बताया, उस पर कॉल करके आप सारे ही मेरे नेट GRF TGT PGT RPC फर्स्ट ग्रेड DT प्लस बी के ऑफलाइन बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान